हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसे भी का भाग दो। सोनू की बातें बड़ी प्यारी होती थीं और वह अनाया दीदी से सचमुच बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया तो बड़ा दुखी चेहरा बनाकर अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गया। अनाया उस दिन घर पर थी। मासी ने अनाया से कहा, बेटा देख तो सोनू का मूड क्यों खराब है? किसी से मारपीट करके आया है क्या? आजकल जमाना बड़ा खराब है, इसे थोड़ा समझा दे, किसी से उलझे नहीं। अनाया सोनू के लिए खाना लेकर अंदर कमरे में गई और बड़े प्यार से बोली, अरे वाह, आज तो सोनू गुड बॉय बन गया है, पर बड़े होने के लिए खाना खाना भी तो जरूरी है। सोनू ने थोड़े गुस्से में कहा, मुझे जल्दी जल्दी बड़ा होना है दीदी, और उन सब लोगों को सबक सिखाना है जो मुझे अच्छे नहीं लगते। अब किसने मेरे सोनू भैया को तंग किया? पता है दीदी, वो वहाँ नुक्कड़ पर जो बड़े लड़के बैठे रहते हैं ना, बहुत खराब है वो। तुझे कुछ कहा क्या? सोनू ने सर हिलाते हुए, हाँ, आज जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, उन्होंने बुलाया और कहा, ए सोनू, अपनी चॉकलेटी दीदी से जरा हमारी भी दोस्ती करा। मैंने कहा, मेरी दीदी का नाम अनाया है, चॉकलेटी नहीं। तो एक भैया ने कहा, हमें क्या पता, बिल्कुल चॉकलेट जैसी है ना, स्वीट स्वीट सी। सो हमने सोचा। तो दूसरे ने पूछा, तूने टेस्ट किया है क्या? तो एक और भैया ने कहा, टेस्ट करने की क्या ज़रूरत, देखकर ही पता लगता है कितनी सेक्सी है। मैं छोटा जरूर हूँ दीदी, पर मैं समझ गया वो लोग गंदी बातें कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से दौड़कर भाग आया। अनाया चुप थी। ये लड़के उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता होगा। देखते तो ऐसे हैं मानो पूरा का पूरा निगल ही जाएंगे। तूने ठीक किया सोनू, और उनके पास जाना भी मत, वो बहुत बुरे हैं। मैं नहीं जाना चाहता दीदी, पर मैं जब स्कूल से घर आता हूँ या मम्मा कुछ लाने बाहर भेजती हैं या खेलने जाता हूँ, तब ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं। मुझे डर लगता है अगर मैं न जाऊँ और ये मुझे मारे तो मैं क्या करूँ दीदी? बस अब तो भगवान जी जल्दी जल्दी मुझे बड़ा कर दें तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे ना, है ना दीदी? अनाया ने सर हिलाकर हाँ कहा, पर उसका दिल इन बातों से और बेचैन हो उठा। क्या कोई नहीं है जो उस जैसी लड़कियों को ऐसे लोगों से बचा सके? दूसरे दिन जब वो चुप सी थी रुबीना दीदी के कुरेदने पर, उसने सोनू के साथ हुई सारी बातें उसे बताई। रुबीना ने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर अनाया का हाथ पकड़कर बोली, डर मत, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सचमुच उसके बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो गईं। अब तो अनाया जब कॉलेज जाती तो वहाँ वे लड़के नहीं रहते और ना ही वे अब कभी सोनू से बात करते। असल में अनाया कभी बाहर निकलती तो ये बात गौर की कि अगर ये लड़के वहाँ मटर गश्ती करते भी तो अनाया को देखते ही गायब हो जाते। अनाया को लगा कि शायद रुबीना दीदी के कहने पर जगत जीजू ने इनके अकल को ठिकाने लगाया है। जगत जीजू के पापा का काफ़ी नाम है यहाँ, शायद उनसे ये लोग डरते हैं। पर जब वह कॉलेज जाती तो कभी कभी उसकी नज़रें किसी और से दो चार हो जाती और वह तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लेती थी। ये वही नौजवान था जो वहाँ खड़ा चाय का प्याला हाथ में लेकर बस रास्ते की तरफ देखता रहता। वही नीली नीली गहरी आंखें, उदास सा चेहरा, ना जाने क्या था उसके चेहरे में कि अनाया ना चाहते हुए भी अपनी नजरें उठाकर उधर देखती। और जिस दिन वो जगह खाली रहती, पता नहीं क्यों उसका मन उदास सा हो जाता था, पर क्यों वह समझ नहीं पाती थी। पर उस दिन उसके सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा जब उसकी सहेलियाँ उसके घर पर आई और उससे बातें करते पूछने लगी, अनाया तो अब उस रुबीना के साथ क्यों रहती है? रहती कहाँ हूँ, बस कॉलेज जाती हूँ, तुम लोग भी चलो ना, वो सिर्फ तुम्हें ले जाएगी, हमें नहीं। ऐसा नहीं है, दी बहुत अच्छी है, सबसे घुलना मिलना जानती है, और तुम लोग जानती हो सबसे अच्छी बात क्या हुई, मैंने उन्हें उन आवारा लड़कों के बारे में बताया तो जगत जीजू ने ऐसी लगाम कसी उन पर कि वे अब कभी भी मेरे सामने नहीं आते। तो तू क्या सोचती है, रुबीना दी सब पर ऐसा प्यार लौटाती हैं? या जकर के कहने पर भी लड़के डर गए? तू बड़ी भोली है नाया, ये सब किसी और के कहने पर हो रहा है। किसी और के? क्यों, उसे मुझसे क्या लेना देना? उसे तुझसे ही लेना देना है मेरी प्यारी अनाया, उस साहबजादे का तुझ पर दिल जो आ गया है। अनाया अंदर तक कांप गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है वो और दी का उससे क्या कनेक्शन है? पिंकी बोली, बहुत बड़ा कनेक्शन है भाई, वह तेरी रुबीना दीदी का भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी उसके गाल पर चिकोटी काटते बोली, ऐसा ही है मेरी जान, सबको पता है सिर्फ तुझे नहीं। उस रात अनाया को नींद नहीं आई तो इसलिए रुबीना दी ने उसके साथ आकर दोस्ती की। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, अब से वह रुबीना दी से नहीं मिलेगी।
पर इस बात का जवाब जरूर मांगेगी कि दी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। उसे अब बस सुबह होने का इंतजार था, पर दूसरे दिन रुबीना दी के साथ कॉलेज जाते हुए वह कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाई। अब तक रुबीना दीदी ने ऐसा कुछ उसके साथ नहीं किया था, या ऐसी कोई बात भी उसने नहीं कही थी जो अनाया को बुरा लगे। उसने तो कभी अपने परिवार के बारे में भी नहीं बताया था ना, पर अगर सचमुच रुबीना दीदी के मन में ऐसी कोई बात हो, अगर दोस्ती के नाम पर दीदी ने ऐसा कोई अनचाहा चीज मांग ली तो क्या करेगी वो। बस इसी उधेड़बुन में वो चुप सी रुबीना दी के साथ चल रही थी, पर रुबीना समझ रही थी कि कोई बात जरूर है। अनाया चुप जरूर रहती, पर इतना भी नहीं। उसने अंत में पूछ ही लिया, अंकल ठीक है ना अनाया? हाँ पापा ठीक है। कुछ देर यूं ही चुपचाप चलने के बाद रुबीना ने फिर से पूछा, फिर क्या बात है, घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं, तो आज इतनी चुप क्यों है तू? अनाया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, आपसे कुछ पूछना था दीदी। हाँ तो पूछना, सोच क्या रही है? पर उसके कुछ पूछने से पहले ही एक कार उनके सामने आकर खड़ी हुई और दो लड़के शराब के नशे में चूर उनके सामने आ खड़े हुए। रुबीना थोड़ा पीछे हट गई, पर अनाया उनके सामने थी और उनकी नज़र अनाया पर ही थी। एक ने कहा, क्या चीज़ है यार, मुंबई की तो नहीं लगती। दूसरे ने नशे में झूमते हुए कहा, हाँ यार जानू क्या नाम है तुम्हारा? अनाया का डर से हालत खराब थी, उसकी नजरें रुबीना की तरफ गईं तो चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। रुबीना ने सुना तो वो लड़के फिर बोले, जानू चलो ना हमारी गाड़ी में, इतने खूबसूरत पैर मैले हो जाएंगे, पैदल चलोगी तो। अनाया ने देखा रुबीना दी थोड़ी दूर मुस्कुरा रही थी, उसे लगा जरूर ये रुबीना दी का भाई है, वरना वह इस तरह मुस्कुराती क्यों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा जैसा छाने लगा था, अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। उसे रोता देखकर एक बोल पड़ा, अले ले ले लोते क्यों हो बेबी, कुछ नहीं होगा जानू, हम मजे करेंगे, फर्स्ट टाइम थोड़ा दर्द होगा फिर आदत हो जाएगी। अनाया ने देखा रुबीना दीदी की आंखें इतना सुनते ही गुस्से से लाल हो गई। वह वहीं से चिल्लाई, ओके बच्चू तेरे को भी फर्स्ट टाइम थोड़ा दर्द होगा, जब अयान की मार पड़ेगी और फिर आदत हो जाएगी। पता नहीं क्यों अयान नाम सुनते ही दोनों को जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया। दोनों ने रुबीना दीदी की तरफ मुड़कर देखा और डरते हुए आवाज में कहा, रुबीना दीदी आप? और धम्मे से जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। रुबीना दी ने एक लात मारते हुए गुस्से से कहा, कमीनो अयान कुछ दिन क्या शहर से बाहर गया? तुम लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना, अब इसी की सजा तो तुम्हें मिलेगी। उन दोनों ने दी को पैरों से पकड़ लिया और रुआसी आवाज में उत्तर दिया, दीदी भाई को मत बताइएगा, दीदी थोड़ी ज्यादा पी ली थी, साली चढ़ गई, कमीनों तुझ जैसे लोगों की वजह से मुंबई बदनाम हो रहा है। दोनों ने कान पकड़ते हुए कहा, अब सारी मुंबई की लड़कियां हमारी बहनें दीदी, प्लीज भाई को मत बताना। सारी मुंबई नहीं, सारी दुनिया की बोल, लड़के बोले सारी दुनिया की दीदी, आप जैसा कहोगे। रुबीना ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जा जाकर उससे माफी मांग और ध्यान रखियो, ऐसे अगर कहीं भी किसी ने भी तंग करने की कोशिश की तो उन्हें बता दियो ये रुबीना दीदी की बहन है। दोनों सर हिलाते हुए आकर अनाया के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, माफ कर दे बहन, अब भाग यहाँ से, नाटक मत कर। सड़क पर दोनों ऐसे भागे मानो भूत देख लिया हो। रुबीना अनाया के हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो डर मत, अब जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कोई छू भी नहीं सकता। उस दिन अनाया इस आकस्मिक घटना से इतना डर गई थी कि उसे कुछ पूछना था भूल ही गई, पर रात को अपने बेड पर सोते हुए उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। बस एक ही नाम बार बार याद आ रहा था, जिसके नाम से वो लड़के शेर से चूहे बन गए, अयान। क्या ये अयान ही रुबीना दीदी का भाई है, जिसके कहने पर दीदी उसे अपने साथ रखती है? कौन है वो और क्या करता है? उससे सब इस तरह डरते क्यों हैं? दूसरे दिन वह रुबीना दीदी से मिलते ही पूछ बैठी, दीदी अयान कौन है, क्यों सपने में आया था क्या? अनाया ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं कर रही दीदी, आप ये जरूर समझते हो, पता है मुझे तू कभी मजाक नहीं करती, तो आज क्यों करेगी? और शायद यही प्रश्न कल तेरे दिमाग में घूम रहा था, है ना? कौन है वो? मेरा भाई है। अनाया के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। तो फिर उसकी सहेलियों ने ठीक ही कहा था, रुबीना दीदी जो भी कर रही है अपने भाई के लिए, पर वह कैसे पूछ सकती थी कि रुबीना दी उसके भाई के कहने पर उसके साथ थी या नहीं? यही सोचते सोचते वह कॉलेज तक पहुंच चुकी थी।
रुवीना दी अपने क्लास जाने से पहले बोली। ब्रेक के टाइम गार्डन में मेल सब बताती हूँ। अनाया जब धड़कते दिल से बगीचे में पहुंची तो रुबीना दी शिकायत के लहजे में बोली, भूख से जानने के लिए जा रही है और तू इतना लेट क्यों की? सॉरी दीदी। और दी, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। डर मत, ऐसा कुछ राज मैं नहीं खोलने जा रही हूँ जिससे तू डर जाए। रुबीना कुछ देर दूर सामने खुले मैदान को देखती रही, फिर बोली, पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ अनाया। अच्छा, ये पता, हमारे समाज में एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा कोई इंजीनियर या कोई बड़ा आदमी क्यों बनता है, और चोर डाकू का बेटा वही काम क्यों करता है? तो अनाया सोचती हुई बोली, शायद उनकी परवरिश ऐसी ही होती है कि अच्छे इंसान का बेटा अच्छा और बुरे का बुरा बनता है। नहीं तो मेरा सवाल समझी नहीं, मैंने अच्छा इंसान नहीं इस समाज में कोई पोजीशन रखने वाले की बात कही थी। ये हमारा समाज है ना, हर इंसान को उसके खानदान और रुतबे से तौलता है, इसलिए तो एक गरीब का लड़का गरीब ही रहता है और बुरे काम करने वाले का बेटा बुरा ही कहलाता है, चाहे वह कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे। अनाया को समझ नहीं पा रही थी दी क्या कहना चाहती हैं, वह चुपचाप उनका चेहरा देख रही थी। रुबीना दी हंसकर बोली, नहीं समझ पाएगी तू, चल तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, आज से लगभग 20 साल पहले की है। असल में ये कहानी नहीं, सच्चाई है। जब ये जगह धीरे धीरे डेवलप करने लगी, लोग आकर रहने लगे, तो प्रमोटर्स बिल्डर्स ने जगहों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी कीमत पर बेचना भी। इससे यहाँ झगड़े फसाद बढ़ने लगे। तू जानती होगी, इन झगड़े फसाद को रोकने के लिए ये अमीर लोग गैंग पालते हैं। ये उनके खरीदे हुए गुंडे होते हैं जो गरीब लोगों से उनकी ज़मीन छीनने में अमीरों की मदद करते हैं और दूसरे गुंडों से इनकी रक्षा भी। तो जकर का पिता भी उन बिल्डर्स में से था। उनके पास इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा पार्टी था, जगन गैंग या चैन गैंग। लोग इस गैंग के सदस्यों से बहुत डरते थे। उस गैंग का लीडर था जगन मलिक। एक दिन जगन मलिक एक छोटे से नीली आंखों वाला गोरा खूबसूरत मासूम से बच्चे को हमारे स्कूल में लेकर आया और यह कहकर उसका एडमिशन करवाई कि उनका बेटा है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं चाहते थे पर डरकर उस बच्चे को दाखिला करवा लिया, पर उस बच्चे को कोई पसंद नहीं करता था, सब उससे दूर रहते थे क्योंकि वह जगन मलिक का बेटा था। एक दिन वह स्कूल के मैदान में एक कोने पर बैठकर रो रहा था। जगन ने उसे देखा और उससे दोस्ती की। वह बच्चा बहुत खुश हुआ कि जगन ने मेरे साथ उसकी दोस्ती करवाई और उससे कहा, मैं तेरा जकर भाई और ये तेरी दीदी, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया, हम तीनों ही अच्छे नंबरों से पास होते गए। फिर जब वह 10वीं में था, उसके पापा की मौत हो गई, किसी और गैंग ने उनका कत्ल कर दिया था। मैं तब 12वीं में थी और जकर कॉलेज में। उसके पिता के मौत के होते ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया। जो लोग अब तक उसके पापा के डर से चुप थे, अब उससे नफरत करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था इसमें उसकी क्या गलती है। उसे तो यह बात भी पता नहीं थी कि वह सचमुच जगन मलिक का बेटा था या नहीं। वह पागल जैसा हो गया था। तब जगन के पापा उसे अपने यहाँ पनाह दी। अनाया जो अब तक खामोशी से सुन रही थी, अनाया अचानक से बोल पड़ी, तब तो जकर के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। रुबीना नफरत से बोली, खाक अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं वो। उन्हें पता था अयान मलिक अब उनके काम आएगा, इसलिए उन्होंने उसे सहारा दिया। अब अयान मलिक उनका दायां हाथ है, उनके लिए काम करता है। किसी को मारना हो, कोई जमीन प्रॉपर्टी खाली करवाना हो, कोई भी काम सब अयान करता है। अनाया समझ चुकी थी कि कल वो लड़के इसी वजह से डर गए थे। वह धीरे से बोली, आपको बुरा नहीं लगता? आप मना क्यों नहीं करती उसे ये सब करने को? क्यों मना करूं, क्या हक है मेरा? मैं भी तो उसे कोई सहारा नहीं दे पाई थी। हाँ, जगन ने एक बार बात छेड़ी थी तो अयान ने बस इतना कहा था, ये दुनिया मुझे इसी रूप में देखना चाहती है, इसलिए तो मुझे अपने समाज से अलग कर दिया। तो यही सही, लोगों के पास मेरे लिए प्यार नहीं तो खौफ तो है, उसके पास जो पहचान है अपने पापा की, उससे वह नहीं निकल सकता। अनाया चुप थी, पर हमने सोचा है शादी के बाद मैं और जकर कनाडा चले जाएंगे, वही अयान को भी ले जाएंगे। नहीं जाएगा तो मैं अपनी कसम देकर ले जाऊंगी और वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा, जकर के साथ मिलकर बिजनेस करेगा वहां। अनाया का फोन बज रहा था। रानी उससे पूछ रही थी कि क्लासेस कैंसिल हो गए हैं तो वे घर जा रहे हैं, वह उनके साथ घर जाएगी। तुम लोग जाओ, मैं दी के साथ चली आऊंगी। अनाया के फोन रखते ही रुबीना दी मुस्कुराकर बोली,
तो सच छुपाने के लिए तूने मुझे माफ कर दिया? अनायन जान बनते बोली, कौन सा सच? तो रुबीना हंस पड़ी और बोली, तू पूछने आई थी ना कि मैं अयान के जासूस हूँ कि नहीं, या तेरे साथ उसके कहने पर हूँ कि नहीं। हाँ, मैं यही पूछने आई थी, पर आपके साथ रहने से मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। दूसरी बात आपके उस भाई की है, मेरे साथ उसकी कोई बराबरी नहीं है, आप उनसे कह दीजिएगा। वो तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, बस उसे तू अच्छी लगी और उसने देखा है तेरे चेहरे का डर महसूस किया है, इसलिए उसने मुझसे कहा है कि तेरे साथ रहूं, विश्वास रख मुझ पर, वो कभी तेरे सामने नहीं आएगा। दी, आप जानते हो मेरे पापा की क्या हालत है, वो ऐसा कोई रिश्ता होने से पहले या सुनने से पहले ही जान दे देंगे। अब तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके पापा को यहाँ से लेकर चली जाऊँ, अपने शहर वापस, और नौकरी करके उनकी देखभाल कर सकूँ। रुबीना समझ गई थी अनाया डर गई है, उसने अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, ट्रस्ट में अनाया, वो अपना नाम तेरे साथ कभी नहीं जोड़ेगा, कोई और होता तो अब तक तेरे सामने आकर अपने प्यार का इजहार कर देता, पर अनाया ऐसा नहीं है, वो अपनी सीमाएं जानता है, जानता है तू उस आसमान में मुस्कुराता हुआ चांद है, जिसे खुश देखकर ही वह खुश होना जानता है, कभी तेरी तरफ हाथ नहीं फैलाएगा, और हम तीनों भी यहाँ से कुछ साल बाद चले जाएंगे, फिर तू चाहे तू हमें याद रख या नहीं, तेरी मर्जी। अनाया समझ गई थी कि रुबीना दीदी को उसकी बात बुरी लगी थी, इसलिए अपने आंसू पोंछते हुए वह बोल उठी, आपो जगह जीजू मेरी जिंदगी का हिस्सा हो दीदी, खबरदार जो कभी मुझसे दूर जाने की बात की तो। रुबीना हंसते हुए उसके गालों को थपथपाते बोली, पागल लड़की, चल घर चल, हमें लेट हो रहा है। उस घटना के बाद 1 महीने गुजर चुके थे, अनाया की परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वो बहुत व्यस्त थी अपनी पढ़ाई में, उसके अलावा कुछ और सोचने का उसके पास समय नहीं था। वैसे भी रुबीना दीदी भी कोई बात नहीं छेड़ी थी, और अनाया तो कुछ सुनना या कहना भी नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कैसे भी ये दिन गुजर जाए और वो अपनी पढ़ाई समाप्त कर यहाँ से चली जाए। पर कभी कभी कॉलेज जाते हुए उसकी नजरें उस दुकान की ओर उठ जाती थीं, जहाँ वो अजनबी चुपचाप खड़ा मिलता था, नीली आंखों वाला, पर आजकल वो वहाँ नहीं होता था। पता नहीं कैसी टीस उठती थी उसके दिल में, कभी लगता दी से पूछे, क्या वही आपका भाई है, क्योंकि इसकी आंखें भी नीली हैं, पर वह जानती थी इस बात को छेड़ना ठीक नहीं, कहीं दी ये ना समझ ले कि वो अयान से मिलना चाहती है। एक शाम बारिश बहुत जोरों की थी और उधर मासी की तबीयत भी थोड़ी खराब थी, वो सोई हुई थी, सोनू और अनाया पढ़ रहे थे, मासी को अनाया ने सूप बनाकर पिलाया था और पापा को खाना खिलाकर खुद और सोनू खाकर अपने कमरे में आ गए थे। मासी ने ही अनाया को यह कहकर रखा था कि कुछ भी हो रात को जल्दी खाना खाकर वो सोनू को लेकर कमरे में चली जाए, क्योंकि हर रात मौसा जी शराब के नशे में धुत घर आते थे, और उस शराबी इंसान की आंखें देखकर ही अनाया को डर लगता था। मासी भी चाहती थी कि किसी तरह अनाया को उस जानवर की नज़र से बचा कर रखे, पर आज अनाया का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, क्योंकि मासी की तबीयत बहुत खराब थी और उनके पास किसी का रहना जरूरी था, पर वह नहीं रह सकती थी। उसने सोचा, जब तक मौसा जी नहीं आते तब तक वह मासी के पास बैठे, पर जब वह मासी के पास आई तो देखा मासी बहुत बेचैन हो रही थी, उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। वह जल्दी से मासी को संभालते बोली, आपको हमें बुलाना चाहिए था मासी। मासी फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, तेरा एग्जाम है ना बेटा? मेरा एग्जाम आपकी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मासी, आपको अभी मेडिसिन लेना था ना, मैं दे देती हूँ। वह थोड़ा दूध गर्म करके लाई और मेडिसिन देने गई तो देखा दवाई खत्म हो चुकी थी। वह बोली, आपके मेडिसिन तो खत्म हो गए मासी, आपने पहले नहीं बताया, मैं ले आती। मासी चुप थी, अनाया समझ गई थी कि मासी के पास पैसे नहीं हैं, वह सोच में थी कि मासी ने कहा, अनाया मुझे कुछ नहीं होगा, बस दूध ले लेती हूँ। अनाया ने घबरा कर पापा को बुलाया, पापा ने कहा, बेटा मुझे आज ट्यूशन के पैसे मिले हैं, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। अनाया ने खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में बोली, पापा बारिश थोड़ी कम जरूर हुई है पर रुकी नहीं है, और मैं जानती हूँ आपको चलने में कितनी तकलीफ होती है, आप मुझे दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। महेंद्र ने इनकार करते हुए कहा, ना बेटा, तू जानती है शाम के बाद ये इलाका लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, पापा ये आप सोचकर लड़कियाँ घर पर बैठ तो नहीं जाती ना, मैं बस सामने की दुकान से ले आऊँगी तो ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ। अनाया ने मासी की ओर देख कर कहा,
पापा, मासी के पास किसी का रहना जरूरी है। सोनू जो चुपचाप खड़ा था उनकी बातें सुन रहा था, बोल पड़ा, मैं दीदी के साथ जाता हूँ बड़े पापा, आप मम्मा के पास रहो। महेंद्र ने चिंतित नजर से अनाया की ओर देखा। पापा, कुछ जरूरत होगी तो मैं आपको फोन करूंगी, वो सामने ही दुकान है, आप इतना मत सोचो, बारिश फिर से शुरू हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मासी को मेडिसिन चाहिए। ठीक है बेटा, जल्दी आना, पर इलाके के सारे दुकान आज बंद थे। सोनू ने रुआसी आवाज़ में पूछा, अब क्या होगा दीदी, मम्मा को मेडिसिन के बिना बहुत तकलीफ हो रही है, हम क्या करेंगे। तो अनाया ने कहा, थोड़ी दूर में बहुत सारे बड़े बड़े मेडिसिन शॉप है सोनू, हम वहाँ चलते हैं, पर बड़े पापा को पता चला तो उन्हें चिंता होगी ना, हम उन्हें नहीं बताएंगे सोनू, उनका कॉल आएगा तो मैं बोलूँगी कि दुकान में बहुत भीड़ है। ये ठीक है, चलिए हम जल्दी से मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। अनाया ने ऑटो रिक्शा पकड़ी और उस इलाके में आई तो हैरानी से देखा, सिर्फ मेडिसिन के नहीं सारे दुकान वहाँ बंद थे। तभी सोनू की नज़र एक छोटे से मेडिसिन के दुकान पर गई, जिसे बंद करके दुकान वाला जा रहा था। उसने जल्दी से कहा, दी वो देखो। अनाया दौड़ती हुई वहाँ आई और दुकान वाले से पूछा, भैया आज सारे दुकान बंद क्यों हैं। अरे आपको पता नहीं मैडम, थाड़े इलाके में कुछ हंगामा हो गया है, पर थाड़े तो वहाँ से बहुत दूर है, पर हंगामा करने वाले को क्या भरोसा मैडम, कौन अपने सामान का नुकसान चाहेगा, वैसे भी आज इतनी बारिश हो रही है, भैया जरा दवाई दे दो। अरे मैडम कल आना, आज तो मैंने दुकान बंद कर दिया है। तो सोनू ने कहा, अंकल मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ दवाई दे दो ना। नहीं बेटा, अब मैं दुकान नहीं खोल सकता, माफ़ करना, कहते हुए उसने साइकिल पर चढ़कर जाने की कोशिश की, पर अनाया ने साइकिल के हैंडल पकड़ ली और गिड़गिड़ाते बोली, नहीं भैया आप दवाई दिए बिना नहीं जा सकते, मासी को अर्जेंट मेडिसिन चाहिए। अजीब मुसीबत है, मैं अभी दुकान नहीं खोल सकता, मेरे मालिक को पता चला तो बहुत नाराज होंगे, छोड़िए जाने दीजिए मुझे। अनाया की आंखों में बेबसी के आंसू थे। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे सोनू यहाँ क्या कर रहा है। सोनू ने मुड़कर देखा और चिल्लाया, अरे राजू भैया। अनाया ने देखा एक 15 से 16 साल का लड़का साइकिल पर इधर ही आ रहा था। वह वहाँ आकर अनाया की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, नमस्ते भाभी जी। अनाया हैरत में थी कि यह कौन है और उसे भाभी क्यों कह रहा था, पर सोनू ने उत्तर दिया, राजू भैया ये अंकल हमें दवाई नहीं दे रहा, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है भैया। राजू ने उस अंकल का गिरेबान पकड़ते हुए पूछा, क्यों बे, दवाई क्यों नहीं दे रहा। दुकान वाले को राजू के बर्ताव पर बहुत गुस्सा आ गया, उसने अपना गिरेबान छुड़ाते हुए कहा, मेरी मर्जी। और देखते ही देखते राजू ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, अब मेरी मर्जी होगी कि तेरे टुकड़े कर डालूं। तो उस दुकान वाले के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अभी दवाई देता हूँ, माफ़ करना भाई। वह जल्दी से दुकान खोलकर अनाया से दवाई का नाम लेकर देते हुए राजू से कहा, प्यार से भी बोल सकते थे भाई, ये सब करने की क्या ज़रूरत। राजू चाकू अपने पॉकेट में रखते हुए बोला, भाभी जी प्यार से बोल रही थी, गिड़गिड़ा रही थी ना, तूने माना था क्या। सही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अनाया ने गुस्से से घूर कर राजू की ओर देखा, फिर दुकान वाले को पैसे देते हुए बोली, लो भैया हिसाब कर लो। पर उससे पहले राजू बोल पड़ा, अबे ये हमारी भाभी जी हैं, भाभी से पैसे लेगा क्या। दुकान वाले ने बड़े विनयी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं भैया, अच्छा मैं चलता हूँ। फिर वह अपनी साइकिल लेकर ऐसा भागा मानो राजू अभी उसका मर्डर कर देगा। उसके जाने के बाद अनाया ने राजू को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझे भाभी क्यों बोल रहे हो। दीदी ये राजू भैया हैं, अयान भैया के दोस्त। दोस्त नहीं सोनू, अयान मेरे भैया जैसे हैं, इसलिए तो अनाया जी मेरी भाभी हुई। अनाया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहले तो वह इस बात पर हैरान थी कि सोनू अयान को कैसे जानता है, पर अब ये बात उससे पूछने का समय नहीं था। उसने सोचा, पहले इस लड़के को यहाँ से भगाए, फिर सोनू से बात करेगी। वह सोनू का हाथ पकड़कर रास्ते की तरफ बढ़ी, पर राजू उनके पीछे पीछे अपनी साइकिल लेकर आ रहा था। अनाया ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुम क्यों आ रहे हो, मैं तुम लोगों को और तुम लोगों के इरादे को अच्छी तरह पहचानती हूँ, भाभी माँ समान होती है भाभी जी, मैं तो बस आप लोगों को सुरक्षित घर पहुँचा देना चाहता हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ, हमारा पीछा छोड़ो। राजू कुछ नहीं बोला, पर वह पीछा नहीं छोड़ा। अनाया ने सोचा, किसी तरह ऑटो मिल जाए तो इससे पीछा छूटे, काफ़ी देर भी हो चुकी थी।
मासी के लिए भी काफी टेंशन हो रही थी, पर काफी टाइम बीत जाने पर भी कोई ऑटो नहीं दिखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, तभी अचानक एक ऑटो उनके सामने आकर रुका और एक राजू जैसे उम्र का ही लड़का अंदर से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है मैडम? अनाया कुछ बोलती उससे पहले ही राजू ने ऊंची आवाज में कहा, अरे मोहन बा, तेरी मति मारी गई है का? यह हमारी भाभी जी हैं, पहचाना नहीं? जा इन्हें घर पहुंचा दे और पैसा मत लियो। मोहन ने सॉरी भाभी जी कहते हुए ऑटो का दरवाजा खोल दिया, पर अनाया और डर गई थी। वह इन दोनों को नहीं पहचानती थी कि पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। वह सोनू का हाथ कसकर पकड़ते बोल पड़ी, हमें नहीं जाना, हम दूसरी ऑटो ले लेंगे। भाभी जी आज सब बंद है, आपको ऑटो नहीं मिलेगा, इसलिए राजू ने मुझे फोन करके बुलाया और ये एरिया बहुत खराब है, आपका इस तरह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अनाया कुछ कहते उससे पहले सोनू उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए डरी हुई आवाज में बोला, चलो ना दीदी, देखो बारिश भी आ गई है और मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा, पता ही नहीं मम्मा कैसी हैं। मासी की याद आते ही अनाया को लगा उसका जल्दी पहुंचना जरूरी है, इसलिए वह ऑटो में बैठ गई। मोहन ने ऑटो स्टार्ट किया, पर उसके चलने से पहले ही एक बाइक सामने आकर रुकी और दो लड़के उतर कर आए। उनमें से एक ने मोहन का कॉलर पकड़ते पूछा, क्यों बे, पता नहीं तुझे आज सब बंद है, ऑटो में पैसेंजर लेकर जा रहा है, पैसे कमाने की बहुत पड़ी है तुझे। मोहन ने हाथ जोड़ते कहा, नहीं भाई, मेरी बहन और छोटा भाई है, पैसेंजर नहीं है। दोनों हंस पड़े। फिर एक ने कहा, देखूं तो कैसी है तेरी बहन, आज इस ठंड के मौसम में हमारा काम चल जाएगा लगता है। क्यों बे, अनाया की सांस रुक गई थी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने सुना मोहन कह रहा है, माफ कर दो भाई, मेरी बहन है, जाने दो। एक ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, तेरी बहन है हमारी नहीं बे। पर मोहन सामने आते हुए बोला, जाने दो वरना ठीक नहीं होगा। अचानक एक ने चाकू निकालते हुए उसे हवा में लहराते चिल्लाया, धमकी देता है ले, और एक ही पल में मोहन के पेट में उसने चाकू भोंक दी। अनाया ने देखा खून की नदी बहने लगी थी, मोहन रास्ते पर ही गिर पड़ा था। उन गुंडों में से एक ने सोनू को खींचकर बाहर निकालते चिल्लाया, अरे यार, ये तो कोई अप्सरा लगती है, क्या किस्मत है हमारी। सोनू ने उस गुंडे का पैर पकड़ते हुए चिल्लाया, छोड़ दो हमें, जाने दो। पर उसने सोनू को एक लात मारते हुए अनाया को हाथ पकड़कर बाहर खींचा। अनाया सोनू को ऐसे हालत में देखकर खोस खो बैठी और वह हाथ जोड़कर रो पड़ी, छोड़ दो हमें। वह गुंडा सोनू को बालों से पकड़कर उठाते हुए बोला, तुझे अपना भाई प्यारा है तो चुपचाप चल हमारे साथ। सोनू चिल्लाया, नहीं दी, मत जाना इनके साथ, दी भाग जाओ दीदी। इतना सुनते ही उस गुंडे ने एक जोर का थप्पड़ लगाया जिससे सोनू रास्ते पर गिर पड़ा। अनाया ने बेबसी भरी नजरों से उस ओर देखा जहाँ राजू खड़ा था, पर वह तो किसी पेड़ के पीछे छुप रहा था। अनाया समझ चुकी थी आज वह बच नहीं सकती। तभी उसने देखा और दो बाइक आकर खड़ी हो गईं और कुछ लड़के जो इन गुंडों जैसे ही थे उतर कर उधर आ रहे थे। अनाया ने सुना, पहला वाला गुंडा चिल्लाया, यार क्या चीज़ हाथ लगी है। अनाया को लगा वह बेहोश हो जाएगी। उसने सुना सोनू गिड़गिड़ा रहा था, हमें जाने दो भैया। उस गुंडे ने कहा, हाँ बच्चू, जाने देंगे, पहले तेरी दीदी के साथ थोड़ा रोमांस तो कर लें, तू भी सीख ले, काम आएगा तेरे। अनाया ने देखा वो चारों तरफ से घिर चुकी थी, शायद अब भगवान ही उसे बचा सकते हैं। वह भागने के लिए जैसे ही मुड़ी उस गुंडे ने उसके दुपट्टे को पकड़कर खींचा और उसी क्षण एक मर्सिडीज कार जोर से ब्रेक लगाते हुए वहां आ खड़ी हुई और उसमें से जो निकल कर सामने आया शायद अनाया की सोच से भी वो परे था। अनाया को बस उसके गरजने जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जाने दो उसे।